सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज़ अपडेट। दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपने 1973 वाली द एग्जॉर्सिस्ट, 2005 वाली द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, 2012 वाली द पोजेशन, 2013 वाली द कॉन्जरिंग आपकी फेवरेट मूवीज़ होंगी। और जानते हैं इन मूवीज़ को सबसे ज़्यादा डरावना क्या बनाती है? पोजेशन, मतलब कि जब डीमन ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और उसके बाद उस पर एक्सॉर्सिज्म किया जाता है। और ये मूवीज तो टॉप फ्लोर पर है इस मामले में। और आज की वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द पोजेशन एक्सपेरिमेंट। ये मूवी भी इन्हीं टॉप फ्लोर वाली मूवी से इंस्पायर्ड है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 10। हाँ, जरूर इसकी IMDb रेटिंग कम है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी में तो दम था, बट इस मूवी का बजट बहुत कम था तो इसीलिए इतनी अच्छी नहीं बन पाई, पर स्टोरी में तो दम था। इसीलिए मैं आज आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक ऐसे ही डिस्टर्बिंग सीन के साथ होती है। एक औरत जिसका नाम ट्रेसी था, उस पर एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था। ये लोग घर के बेसमेंट में थे। ट्रेसी की हालत काफी खराब थी, साफ लग रहा था कि वो नॉर्मल नहीं है। उसे रस्सियों से बांधा हुआ था, उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, उसकी आवाज भी किसी औरत जैसी नहीं थी। ट्रेसी के साथ था इस बेसमेंट में एक कैमरामैन जो इस सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करने वाला था, और दो प्रीस्ट और ट्रेसी का हस्बैंड। लेकिन इन सब की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, बल्कि कुछ दिनों से ट्रेसी का हस्बैंड उसमें कुछ चेंजेस नोटिस कर रहा था। जैसे आधी रात को ट्रेसी अपने बिस्तर से उठ जाती, पूरे घर में घूमती, अजीब सी हरकतें करती, इंसेक्ट्स को खाती। फिर एक रात उसका हस्बैंड उसे काफी अजीब हालत में पाता है। ट्रेसी एक चाकू से अपने आप को ही जख्मी कर रही होती है और दांतों को काट भी रही थी। उसके मुंह से बहुत सारा खून भी बह रहा था और ये सब काफी डिस्टर्बिंग था। शायद डॉक्टर्स ट्रेसी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। फिर मजबूर होकर ट्रेसी का हस्बैंड प्रीस्ट को बुलाता है, लेकिन उस रात वो एग्जॉर्सिज्म काम नहीं आता। ट्रेसी की बॉडी में जो भी डीमन था काफी पावरफुल था, और इस एग्जॉर्सिज्म में ट्रेसी का हस्बैंड भी मारा जाता है और वे दो प्रीस्ट भी। कैमरामैन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उस रात हमें ट्रेसी के घर में एक बेबी भी दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ब्रैंडन। वो अपने माँ बाप का एक लौता था, वो कॉलेज में पढ़ता था और उसका सब्जेक्ट ट्रियोलॉजी था। ब्रैंडन के ज्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही गर्लफ्रेंड। वो इसीलिए ब्रैंडन बचपन से ही अलग था। इसका इंटरेस्ट उन चीजों में था जिनसे आम लोग दूर ही रहते हैं, मतलब कि पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल चीजें। वो इसी की तलाश में हमेशा रहता था। ऐसा लगता था उसे ऐसी बातें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और हाल ही में वो पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म को लेकर काफी इंटरेस्टेड था। उसने इसी तरह के कई केसेस को स्टडी किया था। असल में वो जानना चाहता था कि सब रियल होता है या नहीं, मगर दिल ही दिल में उसे पता था कि ये सब सच है, बस उसे फील करना चाहता था। और इन्हीं दिनों उसका टीचर एग्जॉर्सिज्म पर कुछ क्लासेस लेने वाला था, जिससे ब्रैंडन काफी खुश था। और वो इस बारे में अपने टीचर को बताता है कि अगर वो इसमें उसकी कुछ हेल्प कर सके तो वो तैयार है। ब्रैंडन के इंटरेस्ट को देखकर उसका टीचर उसे एक स्कूल प्रोजेक्ट देता है, वो भी बेस्ट ऑन एग्जॉर्सिज्म। और प्रोजेक्ट इस बारे में था कि ब्रैंडन कुछ खास तरह के एग्जॉर्सिज्म के केसेस की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, मतलब वो एग्जॉर्सिज्म्स किए गए हों। अब ब्रैंडन का काम था कि वो शुरू से लेकर एग्जॉर्सिज्म के एंड तक वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, मतलब कि जिस इंसान पर एग्जॉर्सिज्म हुआ है आखिरकार उसके साथ पहले क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ, उसके सिम्टम्स क्या थे, बाद में उसकी हालत को देखकर प्रीस्ट ने क्या किया, और एग्जॉर्सिज्म के बाद वो इंसान ठीक हुआ या नहीं। और इसीलिए उसका टीचर उसे एक ऐसा केस देता है जो नज़दीक हो, ताकि उसे केस स्टडी करते वक्त आसानी हो। और जो केस उसे मिलता है वो 20 साल पुराना था। असल में ये वही एग्जॉर्सिज्म वाला केस था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया था, और उसका रिजल्ट काफी भयानक था, मतलब कि उसने वहां पर सभी लोगों की जान ली सिर्फ कैमरामैन को छोड़कर। फिर ब्रैंडन इस प्रोजेक्ट को खुशी खुशी लेता है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। ब्रैंडन को इस प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर भी मिल जाता है जिसका नाम क्ले होता है, और अब दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। पहले तो वो लोग पुलिस स्टेशन से इस केस के सारे फाइल्स और पुराने रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, जिसमें वो वीडियो टेप भी थी,
मतलब जिसमें वो एक्सोर्सिज्म रिचुअल वाला सारा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ था। मगर जब वो लोग इस केस की वीडियो देखते हैं तो उसमें से काफी कुछ गायब था और ये किसी ने जानबूझकर किया था किसी वजह से। मगर ब्रैंडन इस केस को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेता है। जैसे कि मैंने कहा, ब्रैंडन इसीलिए इन बातों में इंटरेस्टेड था क्योंकि वो सच जानना चाहता था कि डीमन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन वो ये सब दुनिया को भी दिखाना चाहता था। तब वो एक डिसीजन लेता है जो आगे चलकर उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। वो इंटरनेट पर एक वीडियो लॉन्च करता है। असल में वो एग्जॉर्सिज्म के इस प्रोजेक्ट को इंटरनेट पर दिखाना चाहता था। जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि ब्रैंडन इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। वो इंटरनेट पर ये बात शेयर करता है कि वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, वो अपनी बॉडी डीमन को देगा। मतलब कि ब्रैंडन खुद ही पोजेस होगा और पोजेशन के बाद जो कुछ भी होगा या जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करेगा अगर ये सब सच हुआ तो फिर वो इन बातों को दुनिया के साथ शेयर करेगा, क्योंकि तब वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएगा जब वो खुद इस प्रोसेस से गुजरेगा। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। पर ब्रैंडन को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वो इंटरनेट पर इस एक्सपेरिमेंट के बदले डोनेशन की मांग करता है। और उसका ये पोस्ट इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है और ये ट्रेंडिंग में आता है। कॉलेज का एक लड़का अपनी बॉडी में डीमन को बुला रहा है और बहुत से लोग इस बात पे गुस्सा भी होते हैं, खासकर रिलीजियस और चर्च वाले, कि हम इस तरह के इवेल पावर से लड़ रहे हैं और उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पागल डीमन को खुद इन्विटेशन दे रहा है। मगर बहुत से लोग ब्रैंडन के साथ भी थे और एक रात में ही $10,000 का डोनेशन भी मिल जाता है। मतलब ब्रैंडन की तरह और भी बहुत से लोग थे जो इस बात को लेकर काफ़ी क्यूरियस थे और सच जानना चाहते थे, और ब्रैंडन भी इसको लेके पूरी तरह से तैयार था। मगर उसे ये नहीं पता था कि डीमन उसकी बॉडी को कैसे पोजेस करेगा। फिर जाहिर है कि अगर इस तरह का कोई डेमोनिक प्रोसेस करना है तो किसी कल्ट का हिस्सा होना होगा जो किसी डीमन की पूजा करता हो या शैतान की। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो फिर किसी हॉन्टेड जगह या किसी हॉन्टेड चीज़ से कनेक्टेड होना होगा, या जहाँ पर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हों। और ऐसी जगह सिर्फ एक ही थी जहाँ ऐसा पॉसिबल था, मतलब कि वो घर जहाँ पर पहले एग्जॉर्सिज्म हो चुका है और वो पिछले 20 सालों से वीरान ही पड़ा हुआ है, क्योंकि घर के सभी मेंबर्स उस हादसे में मारे गए थे और लोग ऐसे घर में नहीं रहना चाहते जहाँ पर इस तरह के खतरनाक हादसे हुए हों। उसके बाद ब्रैंडन और क्ले वहाँ पर जानकारी हासिल करने के लिए जाते हैं और पहली बार वहाँ काफ़ी कुछ फील होता है। फिर वो इन बातों को इग्नोर करते हैं, मगर उसे बेसमेंट में एक गड्ढा खुदा हुआ मिलता है जिसमें कुछ छुपाया गया था। लेकिन किसी तरह वो ब्रैंडन को मिल जाता है जहाँ गहराई में कुछ छुपाया था, वो भी कपड़े में लपेटकर। उस चीज़ को लेने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और जब वो घर पर आते हैं तो उसे वो खोलते हैं और उसमें एक ओइजा बोर्ड निकलता है। और उसे किस पर्पज़ के लिए यहाँ छुपाया गया था ये आगे मैं आपको समझाता हूँ। इस बात से ब्रैंडन काफ़ी मशहूर भी हो गया था, मगर बहुत से लोग उससे नफरत भी करने लगे थे। मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटता और बाद में अपने प्रोजेक्ट के लिए उसे एक और साथी भी मिल जाती है जिसका नाम लीडा था। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि ब्रैंडन के इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती है कि अगर वो सच में पोजेस हो गया तो वो उसके मेडिकल डाटा को मॉनिटर करेगी कि इसके ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होंगे। साथ ही वो ब्रैंडन को ये भी समझाती है कि वो कैसे एक डीमन को अपनी बॉडी में लाएगा। उसे ज़रूरत है एक मीडियम की, एक ऐसा इंसान जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कनेक्ट हो और दिल से उस पर विश्वास करता हो। देखा जाए तो प्रीस्ट इन बात को समझते हैं, लेकिन ब्रैंडन के इस फैसले से तो उसके खिलाफ थे, और कोई पागल ही होता जो उसकी बॉडी में डीमन लाता। मगर प्रीस्ट के अलावा भी ऐसे लोग होते हैं जो एक काम कर सकते हैं, और लीडर को ऐसा कोई मिल गया था, एक लेडी जो उन्हें बताती है कि वो एक मीडियम का काम कर सकती है। तो वो लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और वो उस डिमोनिक रिचुअल को करने के लिए उसी घर के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पहले भी इसी तरह के रिचुअल हो चुके थे, और सब बैठकर ओइजा बोर्ड की मदद से डीमन को बुलाने की कोशिश करते हैं, और इसमें वो लेडी मदद करती है। पहले कुछ सवालों का जवाब तो उन्हें मिल जाता है, मगर फिर उस बेसमेंट में एक अजीब सी डीवीडी होती है और वो लेडी जो ब्रैंडन की मदद के लिए आई थी ये देखकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मगर वहाँ उस एक डीवीडी के अलावा और कुछ नहीं होता। सभी लोग इस फुटेज को देख रहे थे और सभी से फेक शो ही समझते हैं, और इससे खुद ब्रैंडन भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उससे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं।
मगर फिर उसे एक सच के बारे में पता चलता है कि असल में वो गोद लिया गया है। उसके डैड उसे सारी बात बताते हैं कि असल में 20 साल पहले जो एग्जॉर्सिज्म हुआ था उसमें सब गड़बड़ हो गई थी और सब मारे गए थे सिर्फ कैमरामैन को छोड़कर। और फिर वो ब्रैंडन को रियल फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें उसकी माँ ट्रेसी उसे मारने वाली थी, मगर उसके डैड ने ट्रेसी को शूट कर दिया और उसके बाद में उसे गोद ले लिया। ये बातें जानकर ब्रैंडन और भी हैरान हो जाता है और धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि वो रिचुअल काम कर गया था, मतलब कि डीमन उसके बॉडी में आने वाला था, मगर एकदम से नहीं, धीरे धीरे। और फिर बुरे हादसे होने शुरू हो जाते हैं और ब्रैंडन अपने हाथ के नाखून निकाल लेता है और उंगलियों में शार्प मेटल लगाकर अपने ही रूममेट को मार देता है और उसी गर्लफ्रेंड के माइंड को कंट्रोल करके उसे भी मरवा देता है। ब्रैंडन की माँ अपनी ही जा को तोड़ देती है और ब्रैंडन पूरी तरह डीमन के कंट्रोल में आ जाता है और आखिर में वो उसी बेसमेंट में चला जाता है। उसके दोस्त उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर अब वो सच में पॉसेस हो गया था, उसका अपने आप पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था और वो अपने ही दोस्तों को बुरी तरह से मारने लगा और यहाँ तक कि अपने डैड को भी, और अंत में वो खुद भी मारा जाता है। मगर ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक वजह थी, चलिए उसे समझते हैं जिससे स्टोरी समझ आने लगेगी। जब ब्रैंडन पैदा नहीं हुआ था तो एक दिन उसकी माँ को किसी ने किडनैप किया जो असल में एक डेमोनिक कल्ट था। वो ट्रेसी को जंगल में ले गए और उन्होंने उस पर एक रिचुअल परफॉर्म किया और उसके थोड़े समय बाद ही ब्रैंडन पैदा हुआ, मतलब कि वो बचपन से ही अलग इसीलिए था और उसे ये जो सुपरनेचुरल चीज़ें फील हो रही थी असल में वो एक रिचुअल का हिस्सा था। उसकी बॉडी उसी ड्यूमन के लिए है जिसकी वो कल्ट पूजा करते थे। पहले उस डीमन ने उसकी माँ को पोजेस किया मगर वो मर गई और अब ब्रैंडन को मगर डीमन को ह्यूमन बॉडी में आने के लिए एक जरिया चाहिए, मतलब एक सोर्स। और आपको ओल्ड क्विजा बोर्ड याद हो जो बेसमेंट में छुपाया गया था, तो असल में वो इस डीमन का जरिया था और जैसे ही उन लोगों ने उसे यूज़ किया उसके लिए ब्रैंडन की बॉडी में आना आसान हो गया, क्योंकि डीमन एक अलग ही दुनिया में रहता है और रियल वर्ल्ड में उनका रहना नामुमकिन है। लेकिन आखिर में उनके होस्ट को मरना ही पड़ता है, जिसे ब्रैंडन के साथ हुआ या उसकी माँ के साथ हुआ, और यहीं पर ही मूवी की एक सैड एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन द पोजिशन एक्सपेरिमेंट की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।